रायपुर जट्टा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दी। फायरिंग में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गोलियां लगी। घायलों को इलाज के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके वारदात से कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इस फायरिंग में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को गोली लगी, जिनमें एक महिला भी है। आसपास के लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें करनाल रेफर कर दिया गया। वहीं इस खूनी संघर्ष में दूसरे पक्ष के 2 लोगों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए घरोंडा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये 10-12 आदमी आए। कौन आए जी? ये दलबीर, उसके लड़के, उसकी घर वाले और एक उनके भाई की लड़की बहू थी राम कुमार की, और एक राम किशन का लड़का था छोटा सोनू। इन्होंने 2 ट्रैक्टर पाए और आकर मेरे ऊपर हमला कर दिया इन्होंने जी। और डोड़ मेरे वामों के पहले निशानदेही हुई थी उसकी, वो डोड़ पाट कर मेरी साइड बंद थी। और पहले भी इन्होंने मेरे साथ 2 बार कार के आकर मोटरसाइकिल अड़ा रखी, उसके उसमें चलान भी हो रहे थे। जमीन डोड़ के ऊपर ही जगह तो गोलियां अपने बचाव में चलाई थी। अपने बचाव में चलाई 2 दिनों का चोट लगी। गोली लगा हुआ एक पहला मरीज आया था, दूसरे जो 2 मरीज आए थे उनके सिर पे चोटों के निशान थे बहुत ज़्यादा। तीनों मरीजों को हमने कल्पना चावला करनाल रेफर कर दिया पहले फर्स्ट एड दे के, और अब उन्हें आगे उनका इलाज करनाल होगा। गोली सिर्फ जो पहला मरीज आया था उसकी छाती में लगी थी, बाकी 2 मरीजों को कोई गोली नहीं लगी थी, उनको सिर्फ चोटों के निशान थे। इंडिया एक्सप्रेस के लिए घरोंडा से विवेक कुमार राणा की रिपोर्ट।